तो ये देखो प्यारे बच्चों, अगर इस वाले सवाल को हम सॉल्व करेंगे तो इसमें बेसिकली एक मेटल स्पीयर हैंग बाय ए फिक्स वॉल और फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्पीयर शोन इन फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। सबसे पहले ये देखो, एक स्पीयर अटैच है तो हाउ मेनी फोर्सेज आर एक्टिंग, कुल कितने फोर्स लगेंगे। देखो तो अगर फोर्स की बात करोगे तो सबसे पहले जो एक नॉर्मल इधर लगेगा जो कि वॉल लगाएगा, ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कलर से बनाता हूँ तो आपको थोड़ा सा समझ में आए ज़्यादा। तो सबसे पहले जो नॉर्मल है वो वॉल लगाएगी इस स्पीयर पे और उस नॉर्मल की डायरेक्शन एक इधर आएगी एन, ठीक है। एक टेंशन आएगा जो कि इस स्पीयर जिसे स्ट्रिंग से अटैच है वो टी इधर लगेगा और एक इस पे लगेगा वेट एम जी जो कि अर्थ लगाएगी डब्लू वेट। तो कुल मिला के यही तीन फोर्स लग रहे हैं, ये और ये वाली लाइन हॉरिजेंटल वाली लाइन है और ये वाली लाइन वर्टिकल वाली लाइन है, ठीक है। तो ये तीन फोर्स लग रहे हैं, इनके अलावा तो और कोई लग नहीं रहा यार, ठीक है। तो अब देखो ये तीनों फोर्स मिल के इसको रेस्ट में रखे हैं, तो सिंस नेट फोर्स जितने भी फोर्स हजारों फोर्स लग रहे हैं अगर उनका रिजल्टेंट जीरो है तो उनको वेक्टर रिजल्टेंट जीरो ही होगा, मतलब नॉर्मल प्लस टेंशन प्लस वेट का सम इन सब का जीरो होगा, ऐसे तो हम लिख ही सकते हैं भाई। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ भाई तीनों का रिजल्टेंट जीरो है। अब मैग्नीट्यूड में बात करो तो मैग्नीट्यूड में बात करोगे तो तीनों को तुम देख रहे हो दो 90 डिग्री पे हैं, और दो अगर 90 डिग्री पे हैं तो तीसरे को यहाँ से मतलब तीनों को एक ट्राइंगल बना सकते हो क्योंकि इनका रिजल्टेंट जीरो है, तो ट्राइंगल एक ही ऑर्डर में बन रहा होगा। मतलब अगर नॉर्मल ऐसे लग रहा है देख रहे हो तो वेट ऐसे लग रहा है, ठीक है, वेट ऐसे लग रहा है तो टेंशन ऐसे लग रहा होगा, ठीक है ना। तो ये रहा टेंशन टी, ये रहा वेट और ये रहा नॉर्मल, ये 90 डिग्री है। तो अगर तुम देखोगे यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से या मैग्नीट्यूड में बात करोगे तो नॉर्मल का स्क्वायर प्लस वेट का स्क्वायर टेंशन के स्क्वायर के तो बराबर ही होगा, मतलब बी ऑप्शन भी सही है। और यहाँ तुम क्या नॉर्मल प्लस वेट टेंशन के बराबर होगा क्या? नहीं यार, स्केलर थोड़ी है, लेंथ इसका सम इसका मैग्नीट्यूड टी के बराबर थोड़ी होगा, मतलब सी ऑप्शन गैप गैप गलत है। मतलब अब मुझे थर्ड जो ऑप्शन है उसमें मुझे नॉर्मल निकालना पड़ेगा, क्या नॉर्मल टेन थीटा के बराबर है? तो ये एंगल अगर थीटा है तो सबसे पहले मैं टेंशन, ये भी एंगल थीटा है तो टेंशन का एक कॉम्पोनेंट ऊपर जाएगा जो होगा टी कॉस थीटा, और टेंशन का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा जो होगा टी साइन थीटा। तो अगर यहाँ पर बच्चों देखोगे तो यहाँ से टी कॉस थीटा जो वेट है वो डब्ल्यू को बैलेंस कर लेगा, और यहाँ से टी साइन थीटा जो देखोगे तो वो नॉर्मल के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, टी कॉस थीटा यहाँ से। तो अगर यहाँ तुम डिवाइड कर दोगे सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू एन बाई डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से जो एन की वैल्यू आ जाएगी वो जो डब्ल्यू और ये टेन थीटा के इक्वल हो जाएगी, जो कि थर्ड ऑप्शन डी भी सही हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ से चेक करता हूँ तो ए बी और डी सही है, ए बी डी सही है, यहाँ से ए सी ये गलत है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।